फ्रिज है वो 15-20 तो लेडीज को लेकर के आई, और मैं दुकान के अंदर काम कर रहा था, मेरा कॉलर पकड़ के गिरा, जिससे मेरा काउंटर क्षतिग्रस्त हो गया, मेरा पूरा शर्ट फट गया, मेरा ये यहाँ पर पूरा चोट उठ लगा है। दरअसल हेमंत सरकार की तुष्टिकरण की नीतियों के कारण ही एक विशेष समुदाय के कुछ कुंठित मानसिकता वाले लोगों का जो मनोबल है वो बहुत बढ़ गया है। पूरे मेरा हाथ में चोट लगा है, मेरे को मारा है। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री जी से यही प्रश्न है कि आखिर उनके सरकार में ये सांप्रदायिक घटनाएं क्यों नहीं रुक रही। प्रशासन को फोन करने के बाद भी प्रशासन बहुत देरी के बाद। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि हरमू की घटना के जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाए और तुरंत जो भी उपद्रवी तत्व हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। राजधानी रांची के हरमू बाजार में बीती रात दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है बाइक से धक्का लगने पर दो पक्षों में मारपीट की घटना हुई है। मामला इतना बढ़ गया कि सूचना मिलने पर अरगोड़ा थाना पुलिस पहुंची, दोनों पक्षों को शांत कराया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों में मोहम्मद सद्दाम, असलम, जुबेर, सोहेल खान, अफरोज मोहम्मद, शाहरुख, इरफान शामिल है। सभी हरमू बाजार में ही मटन और चिकन की दुकान चलाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी इनकी पहचान हुई है, जिसके बाद पुलिस की टीम आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। वहीं इस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राजधानी रांची के हरमू में सांप्रदायिक तनाव के घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की अविलंब गिरफ्तारी हो। हेमंत सरकार के तुष्टिकरण की नीतियों के कारण ही सांप्रदायिक लोगों का मनोबल बढ़ गया है। उसके बाद 5-10 लड़का लोग आया और मेरे साथ मारपीट करने लगा। उसी बीच में बलराम चालक मेरा बीच बचाव करने लगे, उनको भी उस समय छोड़ा करके भगा दिए सबको। बोले ठीक है, गाड़ी की चाबी दे दो, चल जाने दो, हो गया। फिर हम लोग शांत, फिर हम काम करने लगे अपना। फिर ये एक मोटी सी लड़की लेडीज है वो 15-20 लेडीज को लेकर के आई, और मैं दुकान के अंदर काम कर रहा था, मेरा कॉलर पकड़ के घिरा, जिससे मेरा काउंटर क्षतिग्रस्त हो गया, मेरा पूरा शर्ट फट गया, मेरा ये यहाँ पर पूरा चोट उठ लगा है, पूरे मेरा हाथ में चोट लगा है, मेरे को मारा गया। इसमें बलराम से लोग बीच बचाव किए, सारे बाजार के आदमी लोग मुझे बचाया, और उसके बाद प्रशासन को फोन करने के बाद भी प्रशासन बहुत देरी के बाद आई, तब सब चला गया। तब महिला थाना में बंद है अभी। देखिए, हेमंत सरकार में सांप्रदायिक उन्माद की घटनाएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी कल रात को हरमू बाजार में एक छोटी सी घटना पर जिस तरीके से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ, ये बेहद ही अफसोसजनक है। दरअसल हेमंत सरकार की तुष्टिकरण की नीतियों के कारण ही एक विशेष समुदाय के कुछ कुंठित मानसिकता वाले लोगों का जो मनोबल है वो बहुत बढ़ गया है, और एक छोटे से दुर्घटना से दूसरे उसके बाद जिस तरीके का बवाल हुआ और दो पक्ष आपस में भिड़ गए और बाद में पुलिस की भारी बंदोबस्ती हुई, तब जाकर स्थिति नियंत्रण में हुई। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री जी से यही प्रश्न है कि आखिर उनके सरकार में ये सांप्रदायिक घटनाएं क्यों नहीं रुक रही। वो पाकी की बात करें, वो देवघर की बात करें, संथाल की बात करें, जमशेदपुर की बात करें, ऐसी घटनाएं जो छोटी घटनाएं होती हैं वो विकराल रूप क्यों ले रही हैं। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि हरमू की घटना के जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाए और तुरंत जो भी उपद्रवी तत्व हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।